100 करोड़ के नज़दीक का गेहूं सड़ गया, गेहूं नहीं सड़ा, गरीब की जो रोटी है उसको भाजपा की सत्ता का घुन लग गया। और हिमाकत देखिए, पहले गरीब की रोटी छीन ली और उसके बाद जिन लुटेरों ने रोटी छीनी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कहा कि भगवान का कसूर है, भगवान के कसूर के कारण 100 करोड़ रुपए की गेहूं, लगभग 43,000 मीट्रिक टन गेहूं वो ख़त्म हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही खट्टर सरकार का तौर तरीका है। हम इसकी ना केवल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये दर्शाता है ये गेहूं किसके लिए था। ये गेहूं अनुसूचित जाति SC समाज के, बैकवर्ड समाज के, गरीब जो हैं उनके लिए ये गेहूं था। उनके घरों में जाता, उनके बच्चों का पेट पालता, परंतु उसकी बजाय अफसर उसे डकार गए, सरकार में बैठे सफ़ेद पोश उसे डकार गए और अब भगवान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि अब उनको पकड़ कर लाइए, ये सब भगवान का कसूर है। सच्चाई ये है कि ये सब भाजपाई कारनामा है जिसकी वजह से गरीब की आय पर हमला हुआ है। हमारी मांग है कि इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। सरकार केवल जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है, वो लीपापोती अब नहीं चलेगी और सरकार प्रदेश के गरीबों को, SC BC समाज के लोगों को, जो BPL के हमारे साथी हैं उनको जवाब दे कि उनकी जो गेहूं है उसको भाजपाई घुन कैसे लगा और किसने लगाया। कुलदीप बिश्नोई को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया भाजपा ज्वाइन करने के बाद, कैसे देखते हो ऐसे? भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका हमेशा से यही रहा है और यही रहेगा, अब लोग इस बात को पहचान गए। मीट्रिक टन कैथल में 11,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ा दिया गया। कैथल में अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी कि मौसम की वजह खराब हुआ था। सरकार में बैठे सफेद पोश उसे डकार गए और अब भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि अब उनको पकड़ कर लाइए, ये सब भगवान का कसूर है। सच्चाई ये है कि ये सब भाजपाई कारनामा है जिसकी वजह से गरीब की आय पर हमला हुआ है। हमारी मांग है कि इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो।